नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नगर निगम में 10 दिनों से चला आ रहा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ समाप्त। 23 पार्षदों के समर्थन से मेयर डिप्टी मेयर ने बचाई अपनी कुर्सी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला, शराबबंदी को बताया ढोंग। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में रविया खातून को मिला राजद से टिकट, पार्टी अध्यक्ष का जताया आभार। भोजन और राहत शिविर की मांग को लेकर बाढ़ विस्थापितों ने यूनिवर्सिटी मुख्य सड़क मार्ग को किया जाम, जमकर किया प्रदर्शन। और मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग चोर की लोगों ने जमकर की पिटाई। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर नगर निगम सभागार में बुधवार को मेयर सीमा शाह और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने 23 पार्षदों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव को गिराने में कामयाब रहे। कुर्सी बचाने को लेकर पिछले 10 दिनों से चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा पर विराम लग गया। काफी उथल पुथल के बीच दोनों की कुर्सी बच गई। बैठक की अध्यक्षता के लिए वार्ड 32 के पार्षद हंसल सिंह को अध्यक्ष चुना गया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के 4 बिंदुओं पर चर्चा शुरू की गई, जबकि डॉक्टर प्रीति शेखर, नीतू देवी सहित 7 पार्षदों ने विशेष चर्चा में अपने विचार प्रकट किए, जबकि अधिकांश पार्षदों ने मेयर और डिप्टी मेयर के पक्ष में हाथ खड़े कर वोटिंग किया। इसके साथ ही अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव गिराने की घोषणा कर दी। इस दौरान नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी, उप नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा और प्रफुल्ल चंद्र यादव मौजूद रहे। काम करेंगे, विश्वास दिलाए हैं और हम भी विश्वास करते हैं कि काम करेंगे इस शहर में, इस समाज में, जनता का भी काम करेंगे। नगर आयुक्त साहब ने मेरे सारे पार्षद मेरे साथ मौजूद है और मेयर साहब ने काम करेंगे। जो पार्षद यहाँ मौजूद थे, उन पार्षदों को जब ये दिख गया कि हमारी संख्या केवल 4-5 है और अविश्वास के विपक्ष में बात को रखने वाले की संख्या उनसे लगभग 5-6 गुना ज्यादा है, तब वो जब इस बात को जान गए तो जाते के साथ जैसे ही हम लोगों ने बोलना शुरू किया, वो अपनी हार को देखकर एक बहाना कि हम लोग बैकआउट करते हैं, हम लोग वॉकआउट करते हैं, हम लोग मीटिंग को नहीं जारी रखना देना चाहते हैं, तो उन्होंने बैकआउट किया। खेल में भले ही आज मेयर डिप्टी मेयर पास हो जाएं, लेकिन जनता के विश्वास के खेल में वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। और आज हम लोगों ने इस पूरी वोटिंग प्रक्रिया का बहिष्कार किया, वो इसलिए क्योंकि हम लोग उस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों में से नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव की आड़ में जो भी घिनौनी हरकत हुई, जिस तरह से जो घटना सामने आई है, वीडियो वायरल हुआ है, उससे हम लोग शर्मसार हैं। शहर एक तरफ डेंगू की मार झेल रहा है, शहर एक तरफ बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है और दूसरी तरफ नगर निगम में कुछ लोगों के द्वारा इस तरह से घटिया राजनीति की जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं। अब चर्चा के दरमियान जो है प्रीति शेखर ने भाग लिया और भाग लेने के बाद फिर डिप्टी मेयर राजेश वर्मा जी भी बोलना चाहे, इसी में दोनों में थोड़ा सा नोकझोंक भी हुई हल्की फल्की और प्रीति शेखर ने सदन से वॉकआउट कर लिया। 8 पार्षद उनके साथ बाहर चले गए, रेस्ट 22 पार्षद यहाँ बचे। उन्होंने सर्वसम्मति से हाथ उठा के पुनः महापौर और उपमहापौर के पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया। इस तरह विश्वास प्रस्ताव कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, तो 11 o'clock जब हम लोग नोटिस किया हुआ तो 12 o'clock तक हम 1 घंटा तक वेट कर सकता है, उसके बाद तो एक्सक्यूज नहीं दे सकता है, नोबडी कैन गिव एक्सक्यूज। 12 o'clock का लॉन्ग इनफ पीरियड है वेट करने का, एंड एज पर एक्ट हम लोग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर हमला बोला। मांझी ने कहा कि बिहार में मॉब लिंचिंग की घटना काफ़ी बढ़ गई है और गरीब लोग इसके शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी का ढोंग रचा है, आज भी लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, जबकि 2 लाख गरीब लोगों को शराबबंदी केस में जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपराधियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री अपराधियों को टिकट बांट रहे हैं। मॉब लिंचिंग
लिंचिंग की घटनाएं इतनी कभी नहीं हमने सुनी थी। आज साहब गरीब आदमी फटा कपड़ा पहन करके या अपना माथा का बाल अनमैनर्ड रूप में ले करके अगर चल रहा हो तो सीधे लोग कर देते हैं कि बच्चा चोर है और उसको लोग मारता है। तो कहने का मतलब गरीबे को मार रहा है, कोई अमीर बहुत आदमी चाहे जिस कम्युनिटी का हो वो तो इसमें नहीं आ रहा है। और तीसरी बात, उनका डीजीपी करते हैं, आज ही पेपर में आई ये बात आप लोग देखे होंगे, उनका डीजीपी करते हैं किसी भी रूप में जो अपराधी है उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं और उसको प्रश्रय नहीं देते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी मोरहौरा से कविता सिंह के पति अजय सिंह को उन्होंने टिकट देने का काम किया है, उनका क्रेडेंशियल क्या है आप लोग सब जानते हैं, ये बातें हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी का हम विरोध इसलिए भी करते हैं कि आज शराबबंदी का उन्होंने ढोंग रचा है। शराब जितने पहले बिकती थी उससे चार गुना ज़्यादा शराब आज बिक रही है और हो रहा है इसमें दो इफेक्ट। एक इफेक्ट हो रहा है कि गरीब तबके के लोग अगर कहीं शराब पिए हुए पकड़े जाते हैं तो उनके मुंह में ब्रेथलाइजर लगाया जाता है। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में राजद ने जगदेशपुर जिला परिषद सदस्य रविया खातून को चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट लेकर भागलपुर लौटी रविया खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राजद में दलितों और गरीबों को सम्मान मिलता है, जिसके कारण पार्टी सुप्रीमो के निर्देश पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सिंबल दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। वहीं महागठबंधन में शामिल हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी द्वारा अजय राय को प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर रविया खातून ने कहा कि महागठबंधन के नेता आपस में विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही नामांकन की तिथि तय कर ली जाएगी। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, महागठबंधन के जो भी कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आदमी जैसे गरीब कार्यकर्ता को हमारे लालू जी ने टिकट देकर ये साबित कर दिया कि वाकई लालू प्रसाद यादव जी गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के मसीहा जो माने जाते हैं, आज उन्होंने ये साबित किया। मुझ जैसे गरीब घर की बेटी को आज उन्होंने टिकट देकर पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को ये संदेश दिया कि गरीबों के मसीहा हैं लालू प्रसाद यादव जी। और मुझे सिंबल मिला हमारी राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी के द्वारा और आनंद फानंद में हम लोग जो है सिंबल लेकर निकल गए। ललमठिया थाना क्षेत्र के साहेबगंज बिंद टोली में सैकड़ों बार विस्थापितों ने बुधवार को भोजन और राहत शिविर की मांग को लेकर विश्वविद्यालय मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान महिला, पुरुष और बच्चों ने विश्वविद्यालय मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़ित निर्मला देवी, सुगिया देवी, जीतन कुमार ने कहा कि पिछले तीन दिनों से बच्चे भूखे प्यासे बिलख रहे हैं लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक भोजन की व्यवस्था नहीं की गई है और न ही सिर छुपाने के लिए पॉलीथिन मिला है। वहीं जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नाथनगर सीओ राजेश कुमार ने प्रीतों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया लेकिन बार प्रीत भोजन और राहत की मांग को लेकर अड़े रहे। कहाँ पर, कहाँ पर? चलो देखेगा। कौन गांव में? दस नंबर। लोगों की मांग थी कि शिविर की व्यवस्था की जाए, रहने की व्यवस्था की जाए और भोजन की व्यवस्था की जाए। अभी हमारे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बात भी है, इस संदर्भ में निदान निकाला गया है। मंदिर प्रांगण में शिविर और बिजली की व्यवस्था होगी और जो भी विस्थापित हैं उन लोगों को चूड़ा गुड़ का ड्राई फ्रूट का व्यवस्था की जाए। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र बूढ़ानाथ सब्जी मंडी के समीप मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग लड़के की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल सब्जी लेने बाजार गए युवक का मोबाइल चोरी हो गया। वहीं कुछ लोगों ने लड़के को मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ लिया जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई हुई। हालांकि लड़के के पास से तलाशी के दौरान मोबाइल बरामद नहीं हुआ, फिर भी लोग उसे पीटते रहे। घटना में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान काफी लोगों की भीड़ मौके पर जुटी रही लेकिन किसी ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जोगसर पुलिस ने नाबालिग को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी।
Boston, 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 Boston. तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर टिल्हा कोठी में शरण लिए बाढ़ पीड़ितों के बीच बुधवार को कैंप बिहार की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने किया। इस दौरान कैंप बिहार के सदस्यों ने पूरे टिल्हा कोठी परिसर की साफ सफाई कर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया। साथ ही टैंकर द्वारा पीड़ितों के बीच स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया गया है। संस्था की संयोजिका डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। उन्होंने शहरवासियों से बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए आगे आने की अपील की है। इस मौके पर सूरज शर्मा, विकास सिंह राजपूत, मनीष शर्मा सहित कैंप बिहार के कई सदस्य मौजूद थे। हम लोग टिल्हा कोठी में जो बाढ़ पीड़ित शरण लिए गए हैं, उनके बीच स्वच्छता का अभाव था। आज हम सब लोग मिलकर अपने स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से कैंप बिहार के परिवार की तरफ से आज यहाँ पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग नगर निगम का भी सहयोग हम लोगों को मिला है। नगर निगम के द्वारा गाड़ी आई है और यहाँ स्वच्छता कर्मी भी आए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सब स्वच्छता चलाकर, सफाई झाड़ू लगवाकर, चूना ब्लीचिंग का छिड़काव कराया है। राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे स्वच्छ भारत अभियान पखवाड़ा के तहत बुधवार को एनसीसी कैडेटों ने रैली निकालकर स्वच्छता के प्रति आम लोगों को जागरूक किया। मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज से निकाली गई जागरूकता रैली में एनसीसी 4 बिहार बटालियन के कैडेटों ने शहर के पर्वती चौक स्थित बाजार की साफ सफाई की और स्थानीय लोगों को स्वच्छता के प्रति सजग होने की बात कही। स्वच्छता अभियान का संचालन मेजर रजी इमाम ने किया। इस मौके पर नीतीश कुमार, सागर कुमार, आशीष कुमार, कुश कुमार, सोनी बबली, नेहा निशा सहित दर्जनों एनसीसी कैडेट मौजूद थे। भागलपुर टीएनबी कॉलेज में शैक्षणिक अराजकता, भ्रष्टाचार और पार्ट 1 के नामांकन में धांधली को लेकर बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टीएनबी कॉलेज इकाई की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता कॉलेज अध्यक्ष अतुल्य कुमार ने की। इस दौरान धरना पर बैठे छात्रों ने कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कॉलेज अध्यक्ष अतुल्य कुमार ने कहा कि टीएनबी कॉलेज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। मंत्री हर्ष कुमार ने कहा कि पार्ट 1 में कॉलेज द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, जिससे कॉलेज की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। छात्रों ने अविलंब मामले की जांच कराकर दोषी कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सह मंत्री कुश पांडे ने किया। इस मौके पर जयप्रीत मिश्रा, कुणाल पांडे, अवनीश सिंह, करण शर्मा, विकास चौहान सहित छात्र छात्रा मौजूद थे। भागलपुर के नरगा कोटी स्थित गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में बुधवार को ज्ञान विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन झा, प्राचार्य रामजी प्रसाद सिन्हा, अजीत कुमार, अशोक मिश्र, डॉक्टर ज्ञानानंद झा एवं संजीव कुमार ने दीप जलाकर किया। इस दौरान विद्यालय के बाल वर्ग, किशोर वर्ग एवं तरुण वर्ग के छात्रों द्वारा विज्ञान, गणित एवं वाणिज्य संकाय से संबंधित प्रदर्शन को प्रस्तुत किया। इस मौके पर चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि ज्ञान विज्ञान महोत्सव छात्रों के ज्ञान का विस्तारीकरण है। डॉक्टर मधुसूदन झा ने कहा कि वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम से सफलता के सुख को किया है। छात्रों की प्रतिभा के विकास के लिए विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र छात्रा मौजूद थे।
भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के दीपनगर के समीप मुख्य सड़क मार्ग को लोगों ने जाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। दरअसल बुधवार को दीपनगर स्थित सरकारी जमीन पर वर्षों से झोपड़ी बनाकर भूमिहीन रह रहा था। इसी दौरान जमीन पर मालिकाना हक को लेकर मुंगेर निवासी बब्बू सिंह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर झोपड़ी में रह रहे लोगों को निकाल दिया और झोपड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद भूमिहीन परिवार आक्रोशित हो गया और मुख्य सड़क मार्ग को बांस लगाकर जाम कर दिया। प्रीता अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि करीब 40 वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं और अचानक जगह खाली कराने के लिए बब्बू सिंह ने पति और मां के साथ दुर्व्यवहार किया है। वहीं जोगसर पुलिस ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, फिलहाल आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर शांत करा दिया गया है। सर घर डूबा है और ऊपर से गुंडा सब आकर के 10-12 गो गुंडा करके घर गिरा दिया। हम लोग सोए हुए थे, उठ करके धड़पड़ा के उठे तो हमको भी पानी में गिरा दिया। मेरा बच्चा है छोटा सा, उसको पानी में गिरा दिया। सबके घर में 4 गो बदमाश लेकर आया, वो लोग घर तोड़ने लगा। मेरा हस्बैंड गया बचाने के लिए लकड़ा जादव को, सीधे एकदम खमती लग भुकने गया। तो हम एक बैग बचाने में अपने हस्बैंड को कुतक गए, पैर में लग गया खमती। तब उसके बाद हम उसको गट्टा पकड़ के लाया, तब सब मौके को मारा। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में बुधवार को नागरिक सेवा समिति की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने पूरे रेलवे स्टेशन परिसर की साफ सफाई कर यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के महत्व को बताया गया। समिति के अध्यक्ष रिजवान खान ने कहा कि आज देश में 70% बीमारी गंदगी की वजह से फैल रही है। रिजवान खान ने स्टेशन परिसर को स्वच्छ रखने, कचरे को डस्टबिन में डालने की अपील यात्रियों से की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से ही स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। इस मौके पर एनुल हौदा, जयंत जलद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नगर निगम में 10 दिनों से चला आ रहा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ समाप्त। 23 पार्षदों के समर्थन से मेयर डिप्टी मेयर ने बचाई अपनी कुर्सी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला, शराबबंदी को बताया ढोंग। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में रविया खातून को मिला राजद से टिकट, पार्टी अध्यक्ष का जताया आभार। भोजन और राहत शिविर की मांग को लेकर बाढ़ विस्थापितों ने यूनिवर्सिटी मुख्य सड़क मार्ग को किया जाम, जमकर किया प्रदर्शन। और मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग चोर की लोगों ने जमकर की पिटाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।